और पहले तो एक ओवरव्यू अगर आपके नंबर्स पे हमें दे सके तो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। देखिए, नंबर्स में एक आई से मिक्स क्वार्टर है रेवेन्यू में। जैसे आपने कहा 31% की हमारी रेवेन्यू बढ़ी है, स्टैंड अलोन में करीब 22% बढ़ा है। मार्जिनली कम हुए हैं, स्टैंड अलोन में कम हुए हैं, मतलब कंसोल में थोड़े ज़्यादा कम हुए हैं। और मेजर इम्पैक्ट तीन चार चीज़ों का आया है मार्जिन्स में। एक तो हमारे ब्राज़ील के ऑपरेशंस का है, दूसरा रॉ मटेरियल प्राइसेस जो सभी जगह बढ़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, और चौथा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमारे स्टैंड अलोन में ठीक है, कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है, बट कंसोल में इंक्रीज हुआ है क्योंकि ब्राज़ील में ब्याज के रेट बढ़ गए हैं। पर जो दूसरी अच्छी बात जो है वो हमारे ऑर्डर इंटेक काफ़ी अच्छी रही है। करीब करीब 3200 करोड़ के हमारे ऑर्डर इंटेक इस क्वार्टर में आए हैं, और ओवरऑल हमारी ऑर्डर बुक प्लस L1 करीब 31,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो ऑर्डर इंटेक ठीक लग रही है, रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है, मार्जिन में अभी मेटल्स के दाम ठीक होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अगर आप के डेट लेवल्स देखें सर, तो उसमें भी काफ़ी एक बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, डेट लेवल में अभी दो तीन कारण है। एक तो कारण यह है कि भाई 31% जो परसेंटेज का जो इंक्रीज हुआ रेवेन्यू का, पार्ट ऑफ इट तो उसके कारण ही हमारा डेट बढ़ा। सेकेंड इज ऐसे ही में जो लॉसेज हुए, तो लॉस फंडिंग हुई है। क्योंकि देखिए, इन्वेंट्री वगैरह के भी भाव बढ़े हुए थे, तो उसमें इन्वेंट्री वगैरह था, तो उससे कुछ इम्पैक्ट हुआ है। और चौथा, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे रेलवे और TND ट्रांसमिशन डिवीजन में, जिनमें पेमेंट थोड़े बैक एंडेड थे, तो अब वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहे हैं, तो बैक एंडेड पेमेंट अब आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से करीब Q3 से उसमें डेट में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपकी ऑर्डर बुक को आप कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि 17% अप टू 23,720 करोड़ हम आगे जाके देख रहे हैं, कैसे आप डिवाइड करेंगे? देखिए, आधा तो इसमें से ऑर्डर बुक हमारे TND बिजनेस का है, और बाकी बचा हुआ है 30% करीब सिविल का है, फिर रेलवेज और केबल के बीच में है। तो TND में देखिए, इस साल में क्या हुआ है कि इंटरनेशनल में हमको काफी ऑर्डर मिले हैं, पर मिडिल ईस्ट में जब तेल के जो दाम 100 के आसपास हो गए थे या हैं, तो उससे क्या है कि सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, ओमान, इन सब देशों में काफी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो काफी इंक्रीज हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर इनटेक में हुई है। दूसरा है सिविल। सिविल में तो सारे बिजनेस ही ठीक चल रहे हैं, चाहे आप वाटर पाइपलाइन ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, या रेसिडेंशियल। अब इंडस्ट्रियल में फिर से मैं देख रहा हूँ कि कुछ डिमांड बढ़ रही है, खासकर सीमेंट में और मेटल्स एंड माइनिंग। ये दो सेक्टर हैं जिनमें कंटिन्यूअसली हमारे डिस्कशन हो रहे हैं और ऑर्डर आ रहे हैं। आपकी कंपनी ने एक रिसेंटली एक ऑर्डर जो मिला है आपको, इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड के 765 kV डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, कैसे उस डिजिटल सबस्टेशन के लिए, उसका क्या है प्रोजेक्ट, कॉस्ट कैसे होएगा और टाइमलाइंस कैसे हैं उसके? वो मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर करीब 400 करोड़ के आसपास का वो ऑर्डर है, और टाइमलाइन उसकी 15 महीने के आसपास है, और पावर ग्रिड का ऑर्डर है। तो देखिए, दो तीन चीज अच्छी है उसमें। एक तो क्या है कि उससे पावर ग्रिड की ऑर्डर बुक बढ़ गया था, वाइज 2-3 साल से हम देख रहे थे कि पावर ग्रिड की ऑर्डरिंग थोड़ी कम हो रही थी। नंबर टू ये है कि 765 डिजिटल का पहला सबस्टेशन है जो इंडिया में बन रहा है। और तीसरा क्या है कि ये 15 महीने के आसपास में करना है, तो उसमें रेवेन्यू रिकग्निशन वगैरह काफी जल्दी हो जाएगा। तो मतलब ये अच्छा ऑर्डर है, हम लोग काफी खुशी है इस ऑर्डर को लेने से। जी, साथ में अगर आपका नेटवर्किंग कैपिटल देखे तो 148 डेज पे है, जो काफ़ी हाई है, उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं आप? देखिए, कई कई कोशिश कई तरह की कोशिश चल रही है उसमें कि किस तरह से एग्जीक्यूट करें प्रोजेक्ट्स के, एग्जीक्यूशन को चेंज करें, कुछ क्लाइंट्स वगैरह जहां पे पैसा ज्यादा हो रहा है उनको रिव्यू करें। तीसरा क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे बैक एंडेड पेमेंट टर्म्स थे, उनके पेमेंट आ जाएंगे। तो हमारी उम्मीद तो ये है कि भाई कम से कम 10 से 15 दिन जो है इसमें नंबर्स कम हो जाएंगे, ईयर एंड तक जाते जाते 130-135 के आसपास ये नेटवर्किंग कैपिटल के फिगर आ जाएंगे। साथ में अगर आपकी ऑर्डर बुक को देखे सर, तो कितने फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें? इसमें बोलना बहुत मुश्किल है, पर करीब करीब 15 से 20% जो है वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें से जिनमें मेटल का इम्पैक्ट होगा उसका करीब करीब आधा होगा। तो करीब 8-10% अपने बोल सकते हैं कि ऑर्डर बुक में फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होंगे।
फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें क्या है, कुछ ऐसे हैं जो पुराने प्राइस पे है, कुछ नए प्राइस पे। तो नए प्राइस वालों में तो कोई नेगेटिव है नहीं, पुराने वालों का अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है, इसीलिए जो मार्जिन में आपने गिरावट इस क्वार्टर में देखी या Q4 में देखी, वो उसी ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन के कारण हो रहा है, तो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बाई Q3 एंड सारे जो पुराने ऑर्डर्स हैं फिक्स प्राइस के, जो कम दाम पे लिए हुए हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। साथ में अगर अभी फॉरवर्ड हम जाए तो कैसे आप मार्जिन्स अभी देख रहे हैं और FY23 के लिए कितनी इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं? देखिए Q2 में तो कोई खास इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट कमिटेड है और दाम अभी मेटल्स के कम हुए हैं। तो मेरे हिसाब से Q2 में तो Q1 या 10-20% आगे, 10-20 बेसिस पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, बट Q3 से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। और क्योंकि क्या ऐसे ही के लॉसेस भी हमारे Q3 में कम हो जाएंगे, तो Q2 में होंगे, Q3 में कम हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से Q4 में इम्प्रूवमेंट आएगा डेफिनेटली, और नेक्स्ट ईयर तो हमने कहा ही है कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। Q4 से मेजर इंप्रूवमेंट आना चाहिए, Q3 में कुछ मतलब ट्रेंड लाइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगी। तो कुछ प्राइस हाइक्स ऑन कार्ड है? देखिए अभी जितने नए टेंडर हमने जीते हैं, जो हमने 3200 करोड़ के भी अनाउंस किए थे इस साल में, वो तो सारे क्या है कि नए रॉ मटेरियल प्राइसेस पे है। तो हमारे यहाँ मतलब बाकी जैसे कंज्यूमर इंडस्ट्री नहीं है कि आप पर प्रोडक्ट दाम बढ़ा दो, हमारे तो अगर टेंडर कोट करते हैं तो टेंडर में जो कॉस्ट ले रहे हैं वो नई कॉस्ट ले रहे हैं, तो प्राइस हाइक तो अपने आप हो गई है। तो जितने नए ऑर्डर आ रहे हैं वो नए प्राइसेस पे हैं, नए कॉस्ट के ऊपर है। तो जैसे जैसे उनका एग्जीक्यूशन हो, जैसे आपने TGCL के ऑर्डर की बात की, वो करंट प्राइसेस पे है, करंट कॉस्ट पे है, तो जब उसका एग्जीक्यूशन होगा तो उसके मार्जिन अकॉर्डिंगली आएंगे। जी, नॉर्थ अमेरिका में से देखें तो एक काफ़ी इनफ्लो रहा है आपके बिजनेस में, और वहाँ आप कैसे सिनारियो देख रहे हैं? कौन से कितने नए ऑर्डर्स आ सकते हैं और सिचुएशन वहाँ से कैसी देखने को मिल सकती है? देखिए नॉर्थ अमेरिका की सिचुएशन, और नॉर्थ अमेरिका में मेनली तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USA है। हमारा मेक्सिको जो प्लांट है करीब लास्ट 3-4 साल से फुल वॉल्यूम पे नहीं चल रहा था, क्योंकि वहां पे काम नहीं आ रहा था। अब वहां इतना काम आया है कि मतलब अब हम कुछ तो हम ऑर्डर रिफ्यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। अब तो मतलब नेक्स्ट आज से एटलीस्ट 4 से 5 क्वार्टर के लिए ऑलरेडी मेरा प्लांट फुल हो गया है। वो टावर बनाते हैं वहां पे, पोल बनाते हैं, दोनों दोनों प्रोडक्ट्स के लिए प्लांट फुल है, और काफी डिमांड आ रही है नॉर्थ अमेरिका से, तो काफी कुछ डिमांड कैपेक्स है। प्लान्स है वहाँ? नहीं वहां पे तो जो प्लांट में थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे, बट ऐसा कोई मेजर कैपेक्स प्लान नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी प्लांट है, तो थोड़ा बहुत बैलेंसिंग इक्विपमेंट वगैरह लगाएंगे, बट वो तो बहुत नॉमिनल होगा, बिकॉज जी कैपेसिटी अवेलेबल है हमारे पास। जी